इस समय के रुझानों की बात करते हैं, पंजाब के रुझानों की अगर बात करते हैं तो जो कांग्रेस पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस में बनकर उभर कर सामने आ रही है। गुरदासपुर सीट की बात करते हैं, गुरदासपुर सीट से कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा वो जो आगे चल रहे हैं, उनकी जो लीड है अब तक की लीड 33,573 वोटों की लीड उनकी चल रही है। वो अपने प्रतिद्वंदी दिनेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आगे चल रहे हैं। अमृतसर सीट की बात करते हैं, अमृतसर सीट से गुरजीत सिंह औजला कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 18,616 वोट से आगे चल रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी रंजीत सिंह संधु भारतीय जनता पार्टी के जो रंजीत सिंह संधु है वो उनसे 18,616 वोटों से आगे चल रहे हैं। जलंधर की बात करें तो जलंधर में एक तरफा जो मुकाबला है वो हो गया है, डिसीजन हो गया है एक तरह से, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो जो है 153,979 की वोटों की लीड लेकर जो अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी है सुशील कुमार रिंकू जो पहले आम आदमी पार्टी से लोकसभा सांसद भी रहे हैं वो उनसे आगे हैं। इनसे इस समय जो सुशील रिंकू हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जलंधर की बात करें तो जलंधर का जो जनादेश है वो चरणजीत सिंह चन्नी के फेवर में हुआ है, उनके हक में हुआ है। 153,979 जो वोटों से इस समय लीड पे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और लुधियाना की बात करते हैं, लुधियाना में बहुत इस समय जिसे कहते हैं एक टकराव का माहौल बना हुआ था, वो एक क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं वो पहले कांग्रेस के एमपी रहे हैं यहाँ पे और उनका गढ़ रहा है यहाँ पे, और दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी जो है राजा वड़िंग अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वो जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो उनके मुकाबले में इस समय लीड पे जा रहे हैं। राजा वड़िंग जो है वो इस समय 27,272 वोटों की लीड पे हैं और जो रवनीत बिट्टू हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पिछड़ रहे हैं जबकि वो पहले यहाँ पे सांसद रहे हैं। बात करते हैं फतेहगढ़ साहब की, फतेहगढ़ साहब में अमर सिंह जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इसमें लीड बनाए हुए हैं, उनकी जो लीड है वो 25,834 वोटों की लीड इस समय उनको मिल रही है और उनके मुकाबले गुरप्रीत सिंह जीपी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं पहले वो भी कांग्रेस में रहे हैं और आम आदमी पार्टी से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो लीड जो है अमर सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी जो लीड है वो 25,834 वोटों की इस समय लीड बनाए हुए हैं। पटियाला की बात करते हैं, पटियाला में डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो है वो लीड बनाए हुए हैं लगभग 8,136 वोटों की। इस समय जो डॉक्टर बलवीर सिंह है आम आदमी पार्टी से वो दूसरे नंबर पे और प्रनीत तीसरे नंबर पर हैं। बात करते हैं पटियाला की, पटियाला में जो कांग्रेस पार्टी के धर्मवीर गांधी हैं वो आगे चल रहे हैं, उनकी जो लीड है वो लगभग 8,136 वोटों से वो आगे जा रहे हैं और दूसरे नंबर पे डॉक्टर बलवीर सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं और तीसरे नंबर पे प्रनीत कौर जी हैं। प्रनीत कौर की बात करें कर तो प्रनीत कौर यहां से सांसद रही हैं पहले और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहां पर सुबह से जो रुझान है बहुत ही दिलचस्प रुझान बने हुए हैं क्योंकि तीनों जो उम्मीदवार हैं वो बार बार कभी वो आगे है, कभी प्रनीत कौर आगे आती है, कभी बलबीर सिंह आगे आते हैं, कभी धर्मवीर गांधी आगे आते हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो इस समय कांग्रेस के जो धर्मवीर गांधी हैं वो 8,136 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर की बात करते हैं, फिरोजपुर में कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया 1,077 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी जगदीप सिंह काका बराड़ जो आम आदमी पार्टी से हैं उनसे आगे चल रहे हैं 1,077 वोटों से। बात करते हैं होशियारपुर की, होशियारपुर जो सीट है इस समय वहां पे रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में नजर आ रहे हैं। राजकुमार चब्बेवाल वो इस समय 28,948 वोट लेकर कांग्रेस की जो वहां की प्रत्याशी है यामिनी गोमर उससे लगभग 28,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आते हैं अनंतपुर सीट पे, अनंतपुर साहिब जो है वहां की सीट पे भी अभी तक जो है वो आम आदमी पार्टी के मलविंदर सिंह कंग जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और उनकी जो बढ़त है वो 7,716 वोटों से उनकी बढ़त है। अभी इससे पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय इंदर सिंगला वो आगे रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी के मलविंदर सिंह कंग 7,716 वोटों से आगे चल रहे हैं।
संगरूर की बात करें, संगरूर की बात करते हैं, संगरूर की जो लोकसभा सीट है वहां से ये समझिए कि एक तरफा जो निर्णय है पब्लिक का, लोगों का, वोटर्स का, वो हो चुका है। यहां से गुरमीत सिंह मीठियर जो है आम आदमी पार्टी से, वो 1,48,772 वोटों से एक बहुत बड़े मार्जिन से यहां से जीत बनाए हुए हैं। और उनके मुकाबले सिमरनजीत सिंह मान जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रत्याशी हैं, और सुखपाल सिंह खैरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो इस सीट पे लगभग जो आम आदमी पार्टी की जीत की बात करते हैं वो तय हो चुकी है। बात करते हैं बठिंडा की, बठिंडा की बात करें तो बठिंडा में एक ही सीट पंजाब की ऐसी है जो पंजाब की बड़ी पार्टी जिसको राज्य पार्टी कहते हैं श्रोमणी अकाली दल, वहां से हरसिमरत कौर बादल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। वो लगभग 46,294 वोटों से आगे चल रहे हैं अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी गुरमीत सिंह खुडिया जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है। तो ये जो एक सीट है यहाँ पे अभी तक के रुझान की बात करें तो ये रुझान है जो श्रोमणी अकाली दल के फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को अगर बात करें पंजाब में तो कांग्रेस को जो 7 सीटें हैं उनमें रुझान कांग्रेस की फेवर में जा रहा है, 3 सीटों पर जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, और एक सीट की बात करें तो एक सीट जो ये बठिंडा की सीट है इस पर जो रुझान है वो श्रोमणी अकाली दल के फेवर में जा रहा है। इसके अलावा इस बार जो पंजाब के रुझान है उसमें एक नई चीज है जो एक बड़ी चीज नजर आ रही है, वो है जो आजाद उम्मीदवार है खुडूर साहब सीट से, जो आजाद उम्मीदवार अमृतपाल सिंह है वो लगभग 1,06,337 वोटों से अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी जो है कुलबीर सिंह जीरा, कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं कुलबीर सिंह जीरा, उनसे लगभग 1,06,337 जो बहुत बड़ी लीड है उस लीड से आगे चल रहे हैं। जीत यहां भी इस आजाद उम्मीदवार की लगभग तय नजर आती है। बात करते हैं फरीदकोट सीट की, फरीदकोट सीट से आम आदमी पार्टी से करमजीत अनमोल जो है वो फाइट कर रहे थे, वो लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी से हंसराज हंस जो थे वो उम्मीदवार थे, और जो सरबजीत सिंह खालसा एक आजाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे लगभग 57,908 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये जो 2 सीटें हैं अगर खडूर साहब की बात करें और फरीदकोट की बात करें, इन 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार जो उनकी जीत है वो लगभग तय है। तो इस बार के जो इस रुझान है वो इस तरह के हैं कि जो कांग्रेस है वो 7 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, और श्रोमणी अकाली दल 1 सीट पे बठिंडा सीट पे बढ़त बनाए हुए है जहां से हरसिमरत कौर बादल जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा होशियारपुर की बात करें और अनंतपुर साहब की बात करें और संगरूर की बात करें, ये 3 सीटें हैं यहां से जो आम आदमी पार्टी है उसके हक में रुझान नजर आ रहे हैं, और 2 उम्मीदवार जो है आजाद उम्मीदवार खडूर साहब और फरीदकोट, यहां से ये 2 उम्मीदवार जो है इनकी जीत लगभग तय है, और अब तक इनकी जो बढ़त है सुबह से ये लोग बढ़त बनाए हुए हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में एकमात्र लोकसभा सीट है यहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनीष तिवारी वो सुबह से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वो लगभग 10,194 वोटों से आगे जा रहे हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय टंडन, उनको अब तक 1,08,413 जो वोट है वो मिले हैं, और जो मनीष तिवारी है मनीष तिवारी के अगर वोटों की बात करें तो उनको 1,18,607 वोट जो है अब तक जो गिनती हुई, अब तक जो रुझान आए हैं उनके अनुसार उनको 1,18,607 वोट मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संजय टंडन उनको 1,08,413 वोट जो है वो मिले हैं। और अभी तक जो हम चंडीगढ़ की बात करें तो रुझान है वो कांग्रेस के हक में, कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहे हैं। आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी।